गुड मॉर्निंग दोस्तों आज संडे है यानी कि आज रविवार है। सुना है कि उधारबन में एक बढ़िया सा वाटर पूल है वहाँ पर, तो आज चलते हैं वहाँ पर वाटर पूल में उधारबन, और वहाँ पर जाएंगे थोड़ा नहाएंगे, मस्ती भी करेंगे और ये रोड का भी नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे। और हमारे साथ आज जा रहे हैं तो हम लोग आज चार दोस्त एक साथ में मिल के आज जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा कि हमारा साथ में है भाई है और उत्तम ग्वाला है। देखिए अंदर कौशिक भाई भी बैठे हुए हैं। तो बारिश हो रहा है, बारिश में देखिए मौसम जो इतना साफ नज़ारा दिखाई दे रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ। और सुना है कि मौसम विभाग से खबर मिला है कि आज घूर्णी तूफान ऐसा कुछ बादल आने वाला है, तो अभी तक तो इस साइड में कुछ ऐसा नहीं है, फिर भी बारिश धीमा धीमा हो ही रहा है, हवा भी थोड़ा धीमी धीमी चल ही रहा है। तो चला मौसम को थोड़ा हम लोग इन्जॉयमेंट करते हैं और चलते हैं उधारबन, शायद सालगंगा का आसपास में होगा ये जो वाटर पूल जो है, तो वहाँ पर चलेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा अंत तक। तो दोस्तों हम लोग वाटर पंप का रोड में आ चुका हूँ, ये जगह को जो बोलता है बागरकोना रोड दिखाई दे रहा है, ये उधारबन से आता है ये रोड और सीधा एयरपोर्ट की तरफ जाता है। इधर से हम लोग जो आया सालगंगा तरफ से हम लोग आया। आप लोग कहाँ से आए? सिलचर से। हाँ। फर्स्ट टाइम? हाँ। अच्छा क्या नाम आपका? राशव। अच्छा अच्छा, आप नहाया पार्क में? नहीं, अभी जाएंगे। अभी नहाएंगे, चलिए चलिए। तो दोस्तों बहुत ही फैंटास्टिक जगह है ये, मज़ेदार जगह, और मौसम भी आज बहुत बढ़िया है। और यहाँ से काफ़ी दूर दूर से यानी कि सिलचर से उधारबन से बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं पार्क में नहाने के लिए, मस्ती करने के लिए, और हम लोग भी आज मस्ती करेंगे यहाँ पर। तो चलिए ये देखिए पीछे यहाँ पर जो पार्क है, यहाँ पर देखिएगा बहुत सुंदर से सजा के रखा हुआ है, और ऊपर में ये सब क्या बोलता है, ऊपर से जो घसीट के नीचे उतरता है इसको क्या बोलते हैं भाई? स्लोपिंग, यानी कि स्लोपिंग बनाया हुआ है। और चलिए स्लोपिंग का भी मज़ा लेते हैं। बच्चा लोग बहुत आते हैं यहाँ पर, बच्चा लोग संडे का दिन में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आते हैं मौज मस्ती करने के लिए। तो अभी उत्तम और पसंदीद जो है गाड़ी का अंदर में अभी कपड़ा बदल रहा है हाफ पैंट लॉन्ग पैंट पहन के तो उतर नहीं सकता, इसीलिए हाफ पैंट लगा रहा है, और हाफ पैंट लगा के अभी वहाँ पर स्विमिंग करेंगे तो नहाएंगे उन लोग। ठीक है, कौशिक भाई नहीं नहाएंगे, इसको आज बुखार है, इनको सर्दी जुकाम है, और मुझे भी सर्दी जुकाम है, तो मैं भी आज नहीं नहाऊँगा क्योंकि मेरा भी अंदर में कुछ आज बुखार हो रहा है, और बारिश भी हो रहा है कंटिन्यू, और सर में भी देखिए गंजा हो चुका हूँ, बाल नहीं है। तो ये देखो सामने जो है वाटर पूल है, अभी इन लोग ऊपर चढ़ चुके हैं, यहाँ से अभी नीचे कूदेंगे। यार आ जाओ, वाह कितना बढ़िया से देखिए स्विमिंग कर रहे हैं, वाह पर आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पर आए हैं, इन लोग भी अभी स्विमिंग करेंगे यहाँ पर। ये देखिए यहाँ से इसका इधर से शायद ऊपर जा रहा है, ये उत्तम ग्वाला दोबारा आ रहा है, ये देखिए या बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखिए बच्चा लोग भी यहाँ पर काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर ऊपर से जाके स्लाइडिंग करके या नीचे पानी पे आ रहा है, काफ़ी मजा हो रहा है। अभी चल रहे थोड़ा, हम थोड़ा ऊपर से जाके देखते हैं नज़ारा स्लाइडिंग का। आ जाओ, ये देखिए अभी दो दो बच्चा ऊपर से स्लाइडिंग करते हुए नीचे आएंगे, इसका जो स्पीड है काफ़ी तेज स्पीड से आ रहा है, ये देखिए आ रहा है, ये आया बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें देख रहे ये बच्चा, छोटा सा बच्चा आ रहा है देखो घसीटते हुए, वो मांगो पूरा कपड़ा गया ये बच्चा काफ़ी ज़बरदस्त हो रहा है यहाँ पर, काफ़ी लोग जो है एंजॉय ले रहा है यहाँ पर नहाने का, स्विमिंग पूल का काफ़ी मज़ा ले रहा है। और ये पसंजीत भाई शायद ऊपर से घसीटते हुए नीचे हैरान हो चुका है, इसके नीचे पे बैठा हुआ है अभी छत के नीचे। अभी यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर स्विमिंग रेस होने वाला है, सभी लाइन पे खड़ा हो चुका है, और देखिएगा ये भी अभी सभी मिल के यहाँ पर अभी स्विमिंग रेस करेंगे। ये चलते हैं, चलिए और देखते हैं अभी इनमें से, ये चीटिंग हो गया, ये पहले से, ये देखिए अच्छा ये स्विमिंग रेस जो है आधे पे आके टूट गया, और पसंदीद जो है आगे निकल चुका है। भाई कैसा मजा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। बीस
अपने ना कोई थे क्या उधार बंद थे क्या अपने सिल्चर थे क्या अच्छा अच्छा शान करवा नहीं खाने वाले ठीक है करें हमारा पहला पुल थे क्या थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ का जो उत्तम ग्वाला और ये पसंजीत का आज जो यहाँ पर वाटर पूल का जो नहाना था यानी कि स्विमिंग था तो बस ऑलरेडी उन लोग अभी ख़त्म हो चुका है और काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बारिश भी हो रहा है धीमा धीमा जो बारिश भी हो रहा है फिर भी लोग इंजॉय करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और अभी इन लोग अभी ड्रेस चेंज करेंगे। कैसा लगा आज नहाते हुए? बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया। क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए और आके यहाँ का मज़ा लेना। और ये भी जान लो यहाँ पर आने से एक आदमी का 100 रुपया करके फीस देना पड़ता है, एंट्री फीस जो है उसका। चाहे उसका बाद आप यहाँ से 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आप नहा सकते हो, फिर 1 बजे से बाद फिर 4 बजे का दूसरा टाइम यहाँ पर होता है कि नहीं। अगर 4 बजे तक रहोगे तो अलग से फिर दूसरा फीस देना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का ब्लॉग काफ़ी मज़ेदार रहा। तो दोस्तों जितना भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप लोग अगर आना चाहते हैं यहाँ पर आके संडे को मज़ा ले सकते हैं, यहाँ पर स्विमिंग पूल का मज़ा ले सकते हैं, तो आइएगा यहाँ पर ज़रूर। तो दोस्तों बस आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। ओके बाय बाय, थैंक यू।